वेलकम टू माय चैनल। सो यस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी बेसन रोटी की रेसिपी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख ले, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। कटे हुए आलू और पालक में तमाम मसाले हम शामिल करेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें आधा बेसन शामिल किया। थोड़ा सा पानी अब इसमें शामिल किया और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब बाकी का बचा हुआ बेसन भी शामिल कर दिया। थिकनेस आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा और पतला नहीं होना चाहिए। दो अदद तंदूरी रोटियां ली हैं। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। अब ये मिक्सचर तैयार जो किया था हमने, उसे हम रोटी के ऊपर लगाएंगे। अच्छी तरह से रोटी को कवर कर देंगे। ये बहुत ही डिलीशियस बनती है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तरह से फुल कवर कर लेना। अब इसको ऑयल में डाल देंगे। तीन से चार मिनट में ये बेसन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका होगा। साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी सुनहरा गोल्डन कलर कर लें। अब इसे निकाल के सर्व करेंगे। तो तैयार है बहुत ही जबरदस्त से तंदूरी बेसन वाली रोटी, तो जरूर इसे लंच में ट्राई कीजिएगा, स्पेशली बच्चों के लिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।